ग्वादर्स बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज़्ज़त नज़ीर कुएं बातिल पर वाके सनसेट पार्क के दौरे पर पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने सनसेट पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और पार्क में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। DC ग्वादर ने सनसेट पार्क पर वाके लाइब्रेरी का भी दौरा किया। दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने लाइब्रेरी को फाल बनाने का हुक्म दिया। जामिया ग्वादर ने दाखिला मुहिम शुरू कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जीवनी अब्दुल रहीम जामिया ग्वादर के मुख्तलिफ फैकल्टीज और सीनियर तालिबात दाखिला मुहिम के सिलसिले में जीवनी में पहुंच गए। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जीवनी में दाखिला आगाही मुहिम के मुतालिक सेशन का इनेकाद किया। सेशन में तालिबात ने दाखिला, फील्ड की अहमियत और सेमेस्टर सिस्टम से मुतालिक सवालात पूछे। फैकल्टी मेंबरान ने सवालात के जवाब दे दिए। ग्वादर ग्रामर स्कूल में वर्ल्ड स्पेस वीक के मुनासबत से मुनक्किदा प्रोग्रामात इख्तिताम पजीर हो गए। इख्तितामी तकरीब ग्वादर ग्रामर स्कूल में मुनक्किद हुआ। इख्तितामी तकरीब में जामिया ग्वादर के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मंजूर अहमद बलूच, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वहाब मजीद, स्कूल प्रिंसिपल नासिर सोराबी समेत दिगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि वर्ल्ड स्पेस वीक के सिलसिले में स्कूल के तालिबिल्मों ने साइंसी मॉडल्स बनाकर पेश किए, जबकि स्कूल में दिगर प्रोग्रामात का भी इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पिशुकान के तालिबात की ख्वाहिश पर ग्वादर का पहला कैमल लाइब्रेरी स्कूल पहुंच गया। कैमल लाइब्रेरी से स्कूल के तालिबात ने पसंद की किताबों को लेकर मुतालिया किया। तालिबात ने कैमल लाइब्रेरी के मुंतजमीन से कैमल लाइब्रेरी से मुतालिक मालूमात हासिल की। शंबे इस्माइल वार्ड ग्वादर में एक मुनज्जम गुरोह चोरी की वारदात में मसरूफ है। मुनज्जम गुरोह रक्षे के साथ चोरी की वारदात करने के बाद आनन फानन रपू चक्कर हो जाते हैं। गुज़श्ता रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कंदील चौक के करीब वाके मुल्ला मैकेनिक गुलाम हुसैन की दुकान से नामालूम गैंग 7 जनरेटर ले उड़े। मुल्ला गुलाम हुसैन के मुताबिक उनके पास ग्राहकों के जनरेटर पड़े हुए थे जो के चोर चोरी करके अपने साथ ले उड़े, जबकि इससे कबल भी शंबे इस्माइल वार्ड में घरों से बकरियां और दिगर घरेलू अशिया चुराने के वाकयात रोनमा हो चुके हैं। पसनी शहर और करीबी इलाकों चोरबंदन में पानी की फरामी के मसाइल पर तहसीलदार पसनी शेख हयात की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान ने शिरकत की। महकमा PHE के जिम्मेदारान ने बताया कि फ्यूल की बंदिश की वजह से पानी सप्लाई मुतासर थी, ताहम अब पानी की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई है। चोरबंदन में मेन सप्लाई लाइन को मुरम्मत करके जल्द सप्लाई शुरू करने की कोशिश की जाएगी। हक दो तहरीक बलूचिस्तान का पानी के बोरान के खिलाफ महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऑफिस की तालाबंदी बदस्तूर जारी। हक दो तहरीक के काउंसलरान ने XCN ग्वादर के तबादले और पानी फरामी के मुस्तकिल हल तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। इदारे तरकियात ग्वादर ने सवर डैम से ग्वादर शहर को पानी की सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया है। GDA ने ग्वादर शहर को पानी की सप्लाई कल से शुरू करने का अंदिया दे दिया। वाज़ह रहे ग्वादर शहर को सवर डैम से पानी की सप्लाई करने वाला मेन पाइपलाइन मुख्तलिफ जगहों से टूट गया था, जिसको मुरम्मत करने के लिए इदारे तरकियात ग्वादर को कई दिन लग गए। नामालूम चोर दिन की रोशनी में भी सरगर्म हो गए। न्यू टाउन में अब्दुल वहीद नामी शख्स की मोटरसाइकिल को नामालूम चोर दिन की रोशनी में ले उड़े। ग्वादर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए अवाम ने SSP ग्वादर से ग्वादर पुलिस को मुतारिक और फाल बनाने की इस्तदा कर दी। ग्वादर पुलिस की मोबाइल गाड़ियों को धक्के की जरूरत पड़ गई। पुलिस मोबाइल गाड़ियां अदम तवज्जही के बायस फनी खराबी का शिकार हो गई हैं। मोबाइल गाड़ी बंद होने के बाद अवाम ने धक्का लगाकर स्टार्ट करवा दिया। अवाम ने पुलिस इंतजामिया से ग्वादर पुलिस को भी नामालूम चोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ धक्का देने की इस्तदा कर दी। तहसीलदार उर्माड़ा इलाईबख्श से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उर्माड़ा के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में वफद ने तहसीलदार को उर्माड़ा के शहरियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गंस क्रास में बिजली का खंबा गिरने के सबब बिजली की सप्लाई मुतासर हो गई। इलाका मकीनों ने XCN केस को ग्वादर से एक्शन लेने और बिजली की बहाली की अपील कर दी।
और दूसरा हाल यंग जान सुपर लीग लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट सुरबंदन जुमेरात के रोज का मैच बलूच फुटबॉल क्लब बमुकाबला कैप्टन ताज फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जो बलूच फुटबॉल क्लब ने 3 गोल से जीत लिया। जुमे के रोज यंग जान फुटबॉल क्लब और कंगानी फुटबॉल क्लब के माबेन मैच खेला जाएगा।